अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पानीपत ग्रामीण विधानसभा की कांग्रेस पार्टी की टिकट के दावेदार पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन पर पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचारी मोदी और भाजपा को सत्ता से उखाड़ने की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अगुवाई में जहां केरल की बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई, वहीं निर्णय लिया कि आने वाले समय में डिफेंस डील में जो घोटाला हुआ है वो लगभग 1,70,000 करोड़ का राफेल घोटाला है जो कि अनिल अंबानी के साथ मिलकर हुआ है और जनता इसका जवाब मांग भी रही है। अगले महीने हम इस राफेल घोटाले को लेकर जनता के सामने जाएंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर में पूरे एक महीने तक पूरा राफेल घोटाले के बारे में लोगों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि 21 से 24 अगस्त को सोनीपत में साइकिल यात्रा पहुंच रही है। इस यात्रा में केवल और केवल राफेल घोटाले को लेकर आम जनता के सामने आएंगे। तंवर ने कहा कि जाट आंदोलन की वजह से पहले ही हरियाणा जला, यह पार्टी के नेताओं की अनुभवहीनता ही है जिसके कारण जानबूझकर हरियाणा को जलवाया गया। तंवर ने कहा कि आगे इस तरह की कोई भी माहौल ना बने, पुलिस को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए और कहा कि लोगों को अपने अधिकार हासिल करने के लिए संवैधानिक रास्ता अपनाना चाहिए, हरियाणा का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। तंवर ने कहा कि यह देश का पहला प्रांत होगा जहां पक्के कर्मचारी को कच्चा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार नौकरियां देने की बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। 20 तारीख को कर्मचारी द्वारा किए जा रहे सरकार के खिलाफ संघर्ष का पार्टी समर्थन करती है और सरकार पर उनकी मांगे पूरी की जाएगी। पंचायती राज संगठन के तत्वाधान में राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के मौके पर, जिसको सद्भावना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, आज पंचायती राज संस्थाओं का, उनके प्रतिनिधियों का आज यहां पर ये सम्मेलन हुआ, ये जनसभा हुई और कितना बड़ा योगदान उनका है मुल्क के लिए हम सब जानते हैं। और आज एक बड़ा फैसला भी कांग्रेस पार्टी ने लिया है, वही मीटिंग की वजह से मैं थोड़ी देरी से भी आया। आज हमारे सब तमाम पूरे देश के जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अलग अलग प्रदेशों के सीएलपी लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, मुख्यमंत्री हैं और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी राहुल गांधी जी से मीटिंग थी। और मीटिंग में एक तरफ केरल के लोगों के लिए जो त्रासदी वहाँ पर हुई है, भारी बारिश और बाढ़ की जो स्थिति है, सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, उनको भी हमने श्रद्धांजलि दी और जो भी उनके लिए कर सकते हैं वो करेंगे। दूसरा, जो राफेल का एक बहुत महाघोटाला हुआ है, 1,70,000 करोड़ रुपये का जिस तरीके से घोटाला ये किया गया है और सीधे सीधे इसमें नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी सारे बीच के जितने भी पहलू हैं उनको दरकिनार करते हुए, सारे जो भी इसके जो लड़ाकू विमान हो या डिफेंस के लिए जो भी हम परचेज करते हैं उसकी एक कमेटी होती है, उसको साइड में रख करके इतना बड़ा घोटाले को अंजाम दिया है, उसको भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में मनाएगी। और पूरा सितंबर इसमें अलग अलग जो है प्रोग्राम होंगे, आज भी हमने उस बात को रखा है। और इस बार की जो हमारी साइकिल यात्रा है 21 से 24 जो अगस्त तक सोनीपत के जो विभिन्न कुंडली बॉर्डर से शुरू होकर के सभी 6 के विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, उसमें भी हम इसको प्रमुखता के साथ राफेल डील का जो घोटाला है उसको रखेंगे, कैसे देसी दलालों को ढूंढ करके और पूरा इस देश के रक्षा के साथ समझौता किया, कैसे हमारे जो सैनिक हैं जिनको आज अनिवार्यता है 126 लड़ाकू विमानों की, उसके बजाय 36 कैसे ये हुए, कहाँ कहाँ पैसा गए, हम सारी चीज़ें लोगों के सामने रखें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पहले भी अगर हरियाणा जला तो भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती की वजह से, उनकी जो अनुभवहीनता है या जानबूझ करके उन्होंने पहले भी जलवाया, 3-4 बार जो जला है, आगे ना जले इसके लिए पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। और लोगों से भी हमारी अपील है कि कोई भी अधिकार हम लेना चाहते हैं तो वो संवैधानिक तरीके से हम ले, लोकतंत्र में उसके लिए कुछ हमारे रास्ते तय है, हम प्रोटेस्ट करें, दूसरे वो करें, लेकिन हरियाणा को जलाने से मैं समझता हूँ कि हरियाणा का भाईचारा ख़राब होगा, यहाँ और ज़्यादा माहौल ख़राब होगा और उससे पूरे प्रदेश का नुकसान है, हर वर्ग का नुकसान है, प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, माहौल ख़राब होगा, इन चीज़ों का विशेष तौर पर हम ध्यान रखें। अच्छे कर्मचारियों को अगर पक्का करते तो मैं समझता हूँ कि अभी तक इस तरह से लोग सड़कों के ऊपर ना बैठते। नियमितीकरण की जो योजना, जो पॉलिसी हम लोगों ने बनाई थी वो आप देख रहे हैं कि उसमें कोर्ट में जानबूझ करके दस्तावेज इस तरीके से पेश किए गए कि वो रिजेक्ट हो गया।
ये पहला प्रांत होगा पूरे देश के अंदर जहाँ पर पक्के कर्मचारी जो हो गए हैं, नियमितकरण जिनका हो गया है, उनको फिर दोबारा कच्चा करें या उनको हटाने की बात करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग कहते थे हम नौकरी देंगे, ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी है, और उसके साथ साथ पूरी तरीके से हर वर्ग आज दुखी है सड़कों के ऊपर। इसीलिए 20 तारीख को ये सारे लोग जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने संयुक्त रूप से वहाँ पर हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ के अंदर कॉल दिया है, और मैं समझता हूँ कि उनका पूरा समर्थन भी मैं करता हूँ और हर तरीके से हम उनके साथ हैं, और उनकी मांग जायज़ जो मांगे हैं उनको कांग्रेस जब सरकार होगी तो हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे। पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।